ताई डेकोरेटर संघाचा संघनायक, समोरचा संघ सांगतोय 10 ते 15 धावांवर तुम्हाला रोखाल, रोखले तर आपण काय करणार? पहिल्या सत्रामध्ये खेळणार तेव्हा किती धावा कुठून काढणार त्या संघासमोर? 50 ते 55। 50 ते 55। तर कुठले असे फलंदाज तुमच्याकडे आहेत जे सलामीसाठी उतरतील आणि धावांचा पाऊस येथे पाडला जाईल KPL मध्ये? गोविंद पाटील, विनोद पाटील, सत्यवन पाटील, ओमकार धुमाल आणि डीजे धुमाल। आणि ही KPL चा धमाका पाहायला दुसरं वर्ष आहे, तर या KPL च्या आयोजनाबद्दल काय बोलू शकशील? आयोजन खूपच सुंदर आहे आणि आम्ही दरवर्षी आयोजन चांगलंच करतो। तर धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक असेल ओम साई। हे होते ओम साई डेकोरेटर संघाचे संघनायक, एक जबरदस्त आडिया। तसेच आमचे प्रमुख मान्यवर बलिरामजी पाटील साहेब यांचं स्वागत, दयालजी पवार यांच्या शुभहस्ते केलं जाईल, माई चुपदार शाळ, मांगल्याचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित मान सन्मान केला जाईल। बलिरामजी पाटील साहेब यांचं स्वागत या आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये केलं जाईल, दयालजी पवार यांच्या शुभहस्ते या। प्रमुख मान्यवर अतिथी देवो भव, ही भारतीय संस्कृती आणि या संस्कृतीची जोपासना करताना आमचे KPL चे सर्व आयोजक करते, तर जोरदार टाळ्या द्यायच्या आहेत प्रमुख आपले उपस्थित मान्यवर बलिरामजी पाटील साहेबांसाठी। त्याचे पाहायला गेलात तर तसेच कपिल पाटील साहेबांना विनंती करतोय, आपण सुद्धा या, आपलं सुद्धा यथोचित मान सन्मान केला जाईल। अतिथी देव भव दयालजी पवार साहेब आपण इथे थांबायचं, आपल्या शुभहस्ते कपिलजी पाटील यांचं स्वागत केलं जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून। धर्मेंद्र पाटील यांच्या शुभहस्ते, दयालजी पवार यांच्या शुभहस्ते केलं जाईल या, कपिलजी पाटील यांचं स्वागत केलं जाते या स्पर्धेच्या माध्यमातून। माई चुपदार शाळ, मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून कोपर प्रीमियर लीग चा धमाकेदार हा आयोजन आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा। तसेच जगदीश दी धुमाळ साहेब यांनी सुद्धा या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत। तर धर्मेंद्रजी पाटील यांच्या शुभहस्ते त्यांचा सन्मान केला जाईल, स्वागत केलं जाईल जगदीशजी धुमाळ साहेब आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून। आम्हाला या स्पर्धेसाठी अमूल्य वेळ दिला आहेत त्याबद्दल स्वागत, जोरदार टाळ्या द्यायच्या आहेत। अतिथी देव भव, ही भारतीय संस्कृती आणि या प्रत्येक अतिथी देवा समान पूजला जातोय। त्याच्यानंतर परागजी भोईर यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाईल, या आपण सुद्धा आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून अतिथीगणांचं। सावलारामजी पाटील यांच्या शुभहस्ते दिलं जाईल, आपण या आपल्या शुभहस्ते प्रमुख अतिथींचं स्वागत केलं जाईल परागजी भोईर साहेब यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून। चार्मिंग हँडसम पर्सनॅलिटी घेऊन परागजी भोईर येथे आलेत, स्वागत, जोरदार टाळ्या द्यायच्या आहेत आपल्या प्रमुख मान्यवरांसाठी। अतिथी देव भव या उक्तीचा वापर करतात, तर सर्व अतिथींचं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या KPL च्या पर्वामध्ये। दुसरं पर्व, मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते मित्र हो, तमाम क्रीडा रसिकांचं स्वागत केलं जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून। तो तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे, मैं हूँ गणेश गावंड। दूसरा अब्बा ये सत्र चालू होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम मेहमान आते हुए मेहमानों का स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर पहले गेंदबाज आ चुके हैं गणेश, सूरज गेंदबाजी के लिए 2 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, 60 रनों का टारगेट है, 60 रनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस बार हुक किया जरूर लेकिन सही तरीके से बल्ले से संपर्क नहीं, गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में बाल बाल बचे और सिंगल के साथ टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 3 रन प्रति ओवर। जगदीश जी धुमाल, बलिराम जी पाटिल इनके तरफ से 2000 रुपए की यहां पर आयोजककर्ताओं के लिए यहां पर भेंट स्वरूप में 2000 नगद इनामी राशि आ चुकी है। तो स्वागत उनका बिल्कुल, विकेट हैट्रिक के लिए आश्रय पाटिल इनके तरफ से दिए जाएंगे 1000 रुपए आश्रय मात्रे। बिल्कुल छक्कों की हैट्रिक, चौवों की हैट्रिक के लिए पद्माकर जी पाटिल इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस समय में देखना होगा कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी, जो टीम जीतेगी वो अंतिम क्षणों तक यानी कि
सेमीफाइनल में दाखिल रहेगी। देखना होगा कौन सी टीम जुझारू खेल दिखाती है। इस समय में वो इतिहास रचना होगा, इतिहास के पन्नों पर यानी कि केपीएल के इस इतिहास के पन्नों पर आपका नाम सुनहरे अक्षरों से गुदवाना है तो इस मैदान के अंदर मेहनत करनी होगी। गेंदबाज सैयार सूरज फुल टॉस गेंद सही नतीजे पर गेंद सीधा स्टैंड में जाती हुई आदित्य वॉरियर्स के ये सलामी वाला छक्का। शायद और एक छक्का लगाया तो 500 रुपए का इनाम पद्माकर पाटिल। ये देखिए यहां से ये डॉट बॉल आती हुई, डॉट बॉल की घोषणा होती हुई, रिका हुआ टोटल वही के वही 9 रन। हेलो गणेश, खऱ्या अर्थान डॉक्टर प्रफुल्ल मैदानाच्या आतमध्ये खेळत आहेत, एक शिक्षित असे व्यक्तिमत्व आहेत आणि त्यांना मात्र आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनच्या पाठीचा कडा आणि खऱ्या अर्थानं पारगाव नगरीचं भूषण आदरणीय आनंदजी तारेकर यांच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत डॉक्टर प्रफुल्लसाठी आणि या संपूर्ण कोपर प्रीमियर लीग साठी मात्र त्यांच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा। ते देखील हा सामना एन्जॉय करतात लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून, त्यांचं देखील स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। यस गणेश, बिल्कुल स्वागत करना चाहेंगे, जो शुभेच्छा स्वरूप में आ चुकी है उनका भी स्वागत इस प्राप्ति लाइव के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं हमारे चाहने वाले कई हमारे दोस्त उनका भी स्वागत। तो टीम का टोटल ये देखिए 1 रन से 2 रन में कन्वर्ट की, चीकी सिंगल यानी कि 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर का था लेकिन पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 11 रन। जितने रन पावर प्ले के ओवर में रोशन ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं मिडल ऑर्डर के उनके ऊपर का दबाव हटता है। तो ये दबाव हटाने के लिए शुरुआती के सलामी बल्लेबाज को खुलकर खेलना होता है, एक साइड से जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने होते हैं। तो पहला ओवर मेरे अंदाज से सक्षम पूरा हुआ तो इस समय में आने वाली अब 18 गेंदे जीत के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे 49 रनों की आवश्यकता, 49 रनों की आवश्यकता, 60 रनों का टारगेट, विशाल सा टोटल लेकिन 60 रनों को इस मैदान के अंदर महफूज नहीं कहा जा सकता। देखा होगा कोपर इसी मैदान के ऊपर लगातार 5 छक्के लगाने का काम जो बंटी जोशी ने किया था चिंसवाड़ा के, वही काम फिर प्रशांत कड़ू ने किया था सोनारी के। ईट का जवाब पत्थर से, टीट फॉर टैट, इसीलिए ये मैदान काफी बल्लेबाजी के लिए सक्षम माना जाता है, बेनिफिट वाला ये मैदान है। लंबी बाउंड्री नहीं है लेकिन इस बार गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं विघ्नेश पवार ने हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा था आपको 2 दिन इस कोपर प्रीमियर लीग में आना है। तो फिर हमने कहा कि यहाँ पर जैसे हमें मौका मिलेगा वक्त मिलेगा हम वक्त निकाल के आएंगे, हमारे ऊपर प्यार ज़्यादा जताया जा रहा था, स्वागत रहेगा कोपर गांव की ये प्रीमियर लीग में जिन्होंने हमें बुलाया आमंत्रित किया। सभी आयोजककर्ताओं का स्वागत करना चाहेंगे, काफ़ी बढ़िया आयोजन आयोजककर्ता प्रतुल पाटिल, प्रीतेश पाटिल, कुमार पवार, विघ्नेश पवार, रोहन पाटिल, नितेश पाटिल, प्रथमेश पाटिल, अमोल पाटिल, मयूर, जयेश, तुषार, अभी, शुभम, प्रणय पाटिल। इस समय में गेंदबाजी के लिए विघ्नेश पवार राइट ओवर द विकेट, सामना करेंगे बल्लेबाज दीपक अति की गेंद, एलिमिनेशन कम मिला, सेफ लैंडिंग होते हुए नो मैन्स लैंड एरिया में गेंद गिरते हुए एक रन तो पूरी दूसरे निकल बल्टे मौका बन सकता है लेकिन यहां से सुरक्षित अपने खेमे में पहुंचते हुए 2 रन को अंजाम दिया। 2 रनों के साथ टीम का टोटल 13 रन। आने वाली 17 गेंदे जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता, ये रन कैसे पूरे किए जाते हैं देखिए, बॉलिंग एक्शन पूरी तरीके से कंधे का कम इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लाइट ये दे रहे हैं गेंद तो ललचा रहे हैं तो बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करें, एलिमिनेशन कम मिलेगा तो फिर बल्लेबाज फंस सकते हैं। तर या दरम्यान आदरणीय जयेंद्रजी पाटील साहेब यांचे ते शुभागमन झाले, मी त्यांना विनंती करतो आपण या मंचावरती आपलं स्वागत आहे। यस गणेश, फुल टॉस गेंद, ये देखिए कैच कन्वर्ट नहीं कर रहे, एक डायरेक्ट हिट, यहां से बल्लेबाज को लौटना होगा डगआउट में और मायूस हताश होते हुए टीम आदित्य वॉरियर्स का ये खिलाड़ी। फिलहाल देखिए यहां से कैच छोड़ा लेकिन रन आउट का एक सेट, बल्लेबाज मैदान से बाहर होता हुआ
तो यहां से आदित्य वॉरियर्स क्रिकेट टीम को लगता बा ये यहां पर दूसरा सदमा बल्लेबाज अंकित के तौर पर, नए बल्लेबाज संकेत के तौर पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान के अंदर। गेंदबाज बिल्कुल अप स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रफुल्ल पाटिल के लिए चक्कू के हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का इनाम। ऋषिकेश धुमाल इनके माध्यम से गेंद को कला के माध्यम से बोलना चाहते थे, अंदर आई जरूर आए थे और यहां से एक रन नहीं रोका। लेग्जी की क्रिकेट होता हुआ नजर आ रहा है मैदान के अंदर। तो इस समय पे देखना होगा यहां पर विघ्नेश पवार की ये गेंदबाजी नफीतुली पूरी तरीके से सटीक लाइन जहां पर पेस नहीं है गेंद में लेकिन डिलीवरी काफी बढ़िया लेंथ के साथ करते हुए। ये देखिए बढ़िया तरीके से और यहां से वाइट बॉल, यस इट इज अ करारा यहां पर जवाब वाइट बॉल का देते हुए अंपायर्स यहां पर अमोल जी काले सर काफी बढ़िया अंपायरिंग करते हुए। इनकी पहली मुलाकात बिल्कुल उसारली के मैदान के ऊपर हुई थी। बड़ा स्ट्रोक कन्वर्ट करने की कोशिश लेकिन यहां से डॉट बॉल दबाव में लाएगी टीम आदित्य वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। अब रॉयल जमैकन टीम काफी बढ़िया इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर प्रथमेश यहां पर देखिए विघ्नेश पवार की ये गेंद और बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांध कर रखा डगआउट में लौटते हुए स्टंपिंग बोल्ड हुए और यहां से पारी में वापसी। एक गेंद बाकी है विघ्नेश पवार की आदित्य वॉरियर्स के खीमे में पूरी तरीके से शांति का वातावरण। बल्लेबाज अंकित आउट होने के बाद एक गेंद शेष अभी तक, एक गेंद बाकी है इस समय में। जमैकन वॉरियर्स अब पूरी तरीके से सर चढ़ करके बोल रही है इस समय में तैयार हुक करने की कोशिश और पूरी तरीके से नाकामयाबी अपनी झोली में गिरते हुए एक और डॉट गेंद सफल ओवर की समाप्ति गोल्डन ओवर की समाप्ति। दो ओवर का खेल हो चुका है, दो ओवर की समाप्ति के बाद बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 16 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। यहाँ पर बलवंत पाटिल के लिए 200 रुपए का इनाम, अच्छी फील्डिंग की उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र में इसलिए आश्रय जी बलवंत मात्रे मिस्टेक हो जाती है, लास्ट नेम तो अच्छा बताइए। आश्रय इनके माध्यम से दिया जाएगा 200 रुपए का इनाम। तो यहां से 12 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता, स्कोरबोर्ड पर बात करेंगे 16 रन 44 रनों की आवश्यकता। साठ रनों का टारगेट यानी कि अभी तक 44 रनों की आवश्यकता प्रति ओवर 22 का रिक्वायर्ड रन रेट। बड़े बड़े हिट लगाने होंगे हेलीकॉप्टर बिल्कुल। अब सामने है कोपर के एक राजधानी एक्सप्रेस जिनको मानी जाती है अमोल अंडर 22 में इनका खेल हमने बिल्कुल दाखिल हुई के मैदान के ऊपर देखा था, क्या कमाल का प्रदर्शन। उनमें प्रतुल पाटिल भी शामिल था खेल करने के लिए, काफी बढ़िया खेल उनके माध्यम से भी हुआ था। तो इस समय में अमोल अपने टीम को यहां पर लेकर मैदान के अंदर, इसके बाद जो मुकाबला है अयांस 11 बनाम आपको नजर आएगा ओम साई डेकोरेटर्स क्रिकेट टीम के बीच का। तुरंत ये मुकाबला खत्म होने के बाद मैदान के अंदर दाखिल हो
मुकाबला खत्म होने के बाद कौन सी भी टीम जीते कौन सी भी टीम हारे हस्तोंदोलन करके ही मैदान को छोड़िए। कंपल्सरी चेसिंग रहेगा आने वाली। आप 12 गेंदे 44 रनों की आवश्यकता। ओवर द विकेट अमोल एक्सप्रेस की तरह दौड़ते हुए क्या रफ्तार के साथ, लेकिन यहां से अंपायर देखिए व्हाइट बॉल की घोषणा करते हुए टीम एक से आगे बढ़ती हुई 17 रन। अब समीकरण 12 गेंदे 43 रन बन सकते हैं। इस क्रिकेट के मैदान के ऊपर कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग क्लियर लव एंड वॉर, ये युद्ध है घमासान दोस्ती पूर्वक लड़ाई जरूर, लेकिन मैदान के अंदर दुश्मन की तरह काम करते हुए बड़ा हिट लगाने की कोशिश नाकामयाबी। यहाँ पर बॉडी से सटीक गेंद करते हुए बॉडी पर गेंद करते हुए ऑन द टोज या बॉडी पर ये यहाँ पर निशाना साधते हुए अमोल पूरी तरीके से शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी कर रहा है, पूरी तरीके से गेंद को कट कर रहे हैं। इनके पास अनुभव है प्लेइंग 11 में कोपरगांव में खेलने का अनुभव है, बड़े बड़े मुकाबले में खेलने का अनुभव कोपर की इन खिलाड़ियों ने हमें मौका जब वेंडकल के मैदान के ऊपर हम कमेंट्री करते तब हमें एक मौका दिया था उन्होंने इस श्रृंखला में बोलने का। इस समय में देखिए यहाँ से गेंद कट होती है, पूरी तरीके से गेंद को आगे डाल रहे है। ओहो हो हो ना मुन्ना ना, ये काम ना कर यार, आपको जाना होगा डगआउट में बैठने के लिए। लगातार दो छक्के दागे और तीन के लिए लगातार तीन छक्के 1000। ये देखिए हवा में गेंद, थर्ड मैन के फील्डर क्या कमाल का कैच, केपीएल का ब्रांडेड कैच, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल बांगो बांगो बांगो, लेकिन मांगने के लिए पैसा इनको लगा रहे, मांग ही नहीं रहे, करे तो क्या करे, पैसा खूब सारा है लेकिन कमाने के लिए कोई किसी की भी इच्छा नहीं है इस समय के लिए। माला बाल हो सकते हैं, मालदार हो सकते हैं, आज का संडे का दिन है, रात को करे अब फंडे। नॉस्ट्राइक एट के ऊपर टीम के पैकर्स आ चुके हैं, आगे आकर फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया। इस समय में फिर से एक बार डॉट गेंद रफ्तार के साथ बीट कर रहे, देखिए गति में कितनी यहाँ पर परिवर्तन कर रहे, बीच में गेंद को नकल पेश करते हुए बैकअप हैंड से फेंक रहे, बीच में रफ्तार से गेंद फेंक रहे, ये वेरिएशन है, ये राइजिंग स्टार है इस टीम के, केपीएल से ही बने हैं, लगातार दूसरा साल केपीएल का। स्लो वन डिलीवरी, इस बार गेंद हवा में जरूर है, मौका बन चुका था कैच का लेकिन दो रन बल्लेबाजों ने पूरे किए और यहां से दो रनों के साथ टीम के टोटल में इजाफा बढ़ता हुआ टोटल आदित्य वॉरियर्स क्रिकेट टीम का 20 रन स्कोर बोर्ड पर, अभी तक 40 रनों की आवश्यकता। अंतिम गेंद बड़ा हिट लगाने की कोशिश, इस बार एलिमिनेशन कम मिला, हवा में गेंद अमोल क्या कमाल की कैच, इसको कहते हैं कैच कार्बन कमाल कैच, केपीएल का शानदार लाजवाब उम्दा कैच। धन्यवाद, क्या बढ़िया डीजे मास्टर, लिंबू कापला रस गड़ू लागला, और ये रस जब गिरता है ना तब पता चलता है दोस्तों, क्योंकि ये रोशन शादी ऐसा लड्डू है जो खाया वो पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया, ध्यान में रखो जल्दबाजी ना करे शादी की। तो इस बार अंतिम ओवर अमोल ने क्या कमाल की, 4 रन कर 2 विकेट अपने नाम पर किए। अब गेंदबाजी के लिए हरीश माड़ी टीम के बैकर्स, घूम कर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, इस बार
बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक रन तो पूरी, दूसरे रन के लिए बल्टे और दूसरी रन यहां पर पूरी की बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ। दो रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अब जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता, पांच गेंदे 38 रन। गेंदबाजी के लिए हरीश मारे टीम के बैकर्स जीत का जश्न लेकर मन में वो इच्छा होगी कि हम अब जीत रहे, लेकिन जीतेंगे वह तभी जब अच्छी गेंदबाजी करेंगे। एक हाथ दूसरी नो बॉल, एक हाथ दूसरी खराब गेंद आपको इस मुकाबले से यहां पर बाहर कर सकती है, इसीलिए गलती ना करें क्योंकि गलती को माफी नहीं की जाती क्रिकेट में। यहां से फिर से एक बार तैयार स्ट्राइक एंड के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज, हवा में गेंद और कैरी की इस बार बल्लेबाज के पारी का अंत, एक और विकेट। जयदीप ने वो कैच को लपका और बल्लेबाज को चलता किया। यहां से अब हरीश माड़ी मुकाबले में क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके से कैरी नहीं कर पाया और नतीजा स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल धुमाल, स्ट्राइक एंड के ऊपर तुषार। ये देखिए हुक करने की कोशिश, लेकिन अंपायर अमोल काले सर का इशारा, व्हाइट बॉल की मिलती भी है सिंगल, लगातार दो छक्के तो यहां पर दिए जाएंगे 2000। घूम का खेला, फाइन लेग क्षेत्र में फील्डर तैनात है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यहां से गवाया ये मौका, अब स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल धुमाल आ चुके हैं। गेंदबाजी सही लाइन लेंथ पर करते हुए टीम के पैकर्स है, वो जानते हैं कि मुकाबला हारेंगे तो पैसा लॉस्ट। राहुल धुमाल एलिमिनेशन कम, ये देखिए मिस फील्डिंग, बल्लेबाजों को मौका मिला एक रन का। मुकाबले में अब औपचारिकता ही बाकी है, तो हारने वाली टीम अब खाने का स्वाद लेकर इस मैदान के ऊपर वॉलेंटियर्स का काम करने का आपके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। घूमकर खेला, अब लॉन्ग स्टॉप एरिया को चुनता हुआ और यहां से गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन। अब इस पारी की अंतिम गेंद, जीतने वाली टीम की हार्दिक शुभकामनाएं, हारने वाली टीम की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गेंद के ऊपर अगर छक्का लगाते हैं बल्लेबाज तो उनके पिताजी तरफ से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लगाओ छक्का, पापा की जेब से मिलेंगे 2000 रुपए। ओहो, ये एक और गेंद, बढ़िया, लेकिन यहां से मुकाबला जीता।